तीसरा नंबर तक जैसे राउंड का पहला खेल से लेकर तीन नंबर तक हमें गोल देखने को मिली और चौथा नंबर गेम के बाद अब तक एक भी गोल हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इस बीच पूरे एक बार सचिन अकेडमी के कब्जे में गेंद 19 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा एक गलत पास सचिन अकेडमी के और पुनः एक बार लंबा सा प्रहार किया है सचिन अकेडमी के मुख्य डिफेंडर दो नंबर डिफेंडर के द्वारा काफी ऊंची शॉट देखने को मिलता हुआ और एक शानदार आउट थ्रो कोंगेउली एफसी के लिए। कोंगेउली एफसी के भुवन अपने साथी खिलाड़ी गोरमन के लिए गोरमन गोल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास और चेसुनिया बड़ा शानदार गोल अनुमान के तहत बहुत सुंदर रणनीति के तहत गेंद को नेट में उछालने में यहाँ कामयाबी हासिल करते हुए बहुत ही सुंदर गोलकीपर को पता तक नहीं चला। नंबर को मैं गौतम जी से सवाल करना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ पर और इस तरह से बराबरी पर आंकड़ा करते हुए यहाँ पर सचिन अकेडमी की टीम ने जैसी नंबर आप इसे जीत पे रहे बोलिए गौतम जी क्या फरमा रहे थे। अरे हम नहीं बोल रहे थे विश्वनाथ जी कुछ बोल रहे थे गौतम जी काफी ट्विस्ट मोड पे आ गया है ये जी हाँ बिल्कुल है ना क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या कुछ अंदेश नहीं नहीं दोनों टीमों जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों टीमों के बारे में कुछ भी बोलना बेबुनियाद होगी बहुत शानदार खेल दोनों ही ओर से बहुत शानदार खेल ये दोनों ही टीम बहुत सुंदर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोनों ही पक्ष के खिलाड़ी एक एक की बराबर पर दोनों टीम एक एक की बराबर पर बहुत सुंदर खेल काफी उम्दा प्रदर्शन दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के द्वारा एक एक की बराबरी पर खेलते हुए यहाँ पर दर्शक भी काफी रोमांचित होते हुए यहाँ पर इस खेल को देखते हुए और इस बीच फ्री की कमौका कोंगेउली को अच्छा था यहाँ पर चिकंदाज में चोट लगाया गया था लेकिन गोलकीपर काफी चौकन्ने और अपने दस्तानों में लपक लिए और अपने साथी खिलाड़ी को यहाँ पर पास कर दिए थे और पूरा यहाँ सचिन अकेडमी के पास गया उनके लेफ्ट राइट बैक ने उसको क्लियर करने में सफलता अर्जित करते हुए यहाँ पर बहुत ही ऊंचा यहाँ पर किक मार दिए थे। सोचने वाली बात है जैसे ही मध्यांतर समाप्त हुई वैसे ही अपने गोल एक एक में बदल दिए सचिन अकेडमी के खिलाड़ियों ने। मानना पड़ेगा विश्वनाथ जी ये पर हम किसी से कम नहीं बहुत दमदार टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर बहुत दमदार मैच है जिस तरह से गोल हुई ये बहुत ही कम देखने को मिलती है 100 टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट में ऐसे गोल देखने को मिलते बहुत साल पहले एक ऐसे गोल हुए थे दामोदरपुर में टीम के नामुंडी की डायरेक्ट हैंडबॉल हुई थी टी बॉक्स में अपना टी बॉक्स में कहीं से डायरेक्ट शूट मार के गोल किया था मंडी का खिलाड़ी और आज उसके बाद आज लगभग 20-22 साल के बाद आज एक ऐसे गोल देखने को मिल रहा है। और पुनः एक बार खिलाड़ी 12 नंबर बाल्मीकि अपने साथी खिलाड़ी 10 नंबर के लिए गोल रिलीज किया खिलाड़ी पास देना चाहते थे लेकिन ये गलत पास पहले स्तंभ में आप प्रहार करेंगे कुछ होने वाला नहीं है उसके लिए एंगल चाहिए एंगल यहाँ बन नहीं रही थी आप प्रहार कर दिए आप सेकंड स्तंभ में या द्वितीय स्तंभ पर अगर प्रहार करते तो शायद कुछ बात बन पाती और यहाँ पर पूरा अटैक टू अटैक काउंटर अटैक की कोशिश
देश लेके न जाया हो तू ही गेंद। और अच्छा चांस मिला था इस विश्व कुमार के रूप में सचिन अकेडमी की टीम के लिए। गोल किक लंबा सा प्रहार मुख्य डिफेंडर के द्वारा है शानदार बचाव चार नंबर के खिलाड़ी कोंगोली एफसी के। और पुनः एक बार 12 नंबर वाल्मीकि के पैरों में गेंद छकाने का प्रयास करते हुए साथी खिलाड़ी को पास दिया है लेकिन ये गलत पास बॉल से छीना जा चुका है। इस बीच सचिन अकेडमी के पैरों में गेंद और ये आउटलाइन से बाहर एक आउट थ्रो मिलता हुआ कोंगोली एफसी की टीम को। दो नंबर जो शानदार एक गोल कर चुके हैं अपनी टीम के लिए कोंगोली एफसी के खिलाड़ी दो नंबर अपनी टीम को बढ़त दिलाने की सफलता हासिल की। लेकिन ठीक कुछ समय बाद ही सचिन अकेडमी के 6 नंबर के खिलाड़ी गोल को एक एक में बदल दिया। सॉरी 3 नंबर के खिलाड़ी ने अपनी टीम को एक एक में बदल दिया अपने स्कोर को। और इस तरह से पुनः एक बार सचिन अकेडमी 19 नंबर के खिलाड़ी 12 नंबर के लिए बोल देने चाले की गलत पास पुनः 12 नंबर कोंगोली एफसी के खिलाड़ी वाल्मीकि बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए 7 नंबर के लिए बोल रिस्क किया 11 नंबर के खिलाड़ी को बोल मिला पुनः एक बार गलत पास। और इस बीच सचिन अकेडमी के खिलाड़ी पुनः एक बार कोंगोली एफसी 4 नंबर के खिलाड़ी ग्राउंड पास देना चाह लेकिन ये गलत पास सचिन अकेडमी के कब्जे में गेंद 7 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट फुट के जरिए बॉल को किक करना चाह लेकिन बॉल पैर में ठीक से लगी नहीं। और पुनः एक बार 12 नंबर के खिलाड़ी वाल्मीकि द्वारा अच्छा पास अपने साथी खिलाड़ी कोंगोली एफसी के लिए ये लंबा किक करना चाहते थे और एक अच्छा पास मिलता है इस बीच कोंगोली एफसी को पुनः वाल्मीकि के लेकिन वाल्मीकि पीछे नहीं मुड़ पाए। और इस बीच मुख्य डिफेंडर सचिन अकेडमी के 2 नंबर मुख्य डिफेंडर यहाँ पर न जाने का प्रयास करते हुए और लेकिन ये बॉल आउटलाइन से बाहर और एक फ्री किक मिलता हुआ कोंगोली एफसी की टीम को। 11 नंबर पुनः 12 नंबर अपने खिलाड़ी को ढूंढ रहे पास देने के लिए साथी खिलाड़ी के लिए बॉल रिलीज किया अच्छा सा किक प्रयास शानदार कोशिश था यहाँ पर कोंगोली एफसी के भुवन द्वारा और एक कॉर्नर किक मिलता हुआ यहाँ पर 12 नंबर के लिए वाल्मीकि अच्छा शॉट यहाँ पर अच्छा माइनस लेकिन शानदार हेड के जरिए बॉल को क्लियर किया मुख्य डिफेंडर सचिन अकेडमी के। इस खेल के बाद प्रथम चक्र का अंतिम खेल खेलने के लिए तैयार रहेंगे समर स्नोटिंग वर्सेस जूनियर एफसी केंदुझर। समर स्नोटिंग वर्सेस जूनियर एफसी केंदुझर और दोबारा से यहाँ कॉर्नर का मौका कोंगोली को पहला कॉर्नर मिला था उसका कोई लाभ ना ले पाए अब दूसरा मिला है क्या कुछ कर पाते हैं बिल्कुल यहाँ तैयार किक लेने के लिए एक उंगली को ऊपर करते हुए यहाँ पर इशारा देते हुए कि भाई मैं वहां मारूंगा और अच्छा से यहाँ पर क्रॉस था लेकिन कोई फायदा नहीं गेंद को नेट में उछालने का प्रयास लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया किस्मत रूठा हुआ सा लग रहा है किस्मत कोंगोली के खिलाफ में जाता हुआ और सेंटर सर्किल के आसपास यहाँ पर सचिन अकेडमी के पैरों में गेंद लेफ्ट यहाँ पर लेफ्ट फॉरवर्ड को सप्लाई किए थे लेकिन उनसे चीनी उनके पास पहुंची तक नहीं और पूरा यहाँ पर कोंगोली के पास और यहाँ पर पावर शॉट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं और गोल लाइन से बाहर जाती हुई गेंद गोल किक का यहाँ पर मौका मिलता हुआ और आगे का जो भी विवरण होगा मिस्टर गौतम जी
धन्यवाद विश्वजीत जी और विश्वनाथ जी। और इस प्रकार ये उत्तरार्ध का खेल चलता हुआ और ये खेल का फाइनल